टेस्टिंग फॉर रियल टाइम सिस्टम्स। अब पहले आपको समझना होगा रियल टाइम सिस्टम क्या होता है। रियल टाइम सिस्टम वो होता है जिसमें आरटीएस है, या आप इसको आरटी ऑपरेटिंग सिस्टम में आरटीओएस कहते हैं। यहां पर जो टाइम कंस्ट्रेंट है वो बड़े रिजिड है। इसका मतलब हमने कहा 1 मिलीसेकंड में होना है तो 1 मिलीसेकंड में ही होना चाहिए। आप फ्लाइट के बारे में बात कर लीजिए, आप ऑटो ड्राइव जो कार्स है उनके बारे में बात कर लीजिए, माइक्रोसेकंड मिलीसेकंड का भी अंतर फेटल एक्सीडेंट क्रिएट कर सकता है। इसीलिए रियल टाइम सिस्टम्स बनते हैं। माइक्रोवेव में आप 30 सेकंड सिलेक्ट करते हैं तो 30 सेकंड बाद माइक्रोवेव अपने आप बंद हो जाता है, तो रियल टाइम सिस्टम है। तो इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आप दोनों ही यूज कर रहे हैं। और इसमें जो भी चीज, जैसे मान लीजिए 30 सेकंड का आपने लगा दिया और उसके बाद या तो कुछ और बटन क्लिक कर दी या फिर दरवाजे को खोल दिया माइक्रोवेव ओवन के, तो इंटरप्ट हो गया। तो आपके रियल टाइम सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसमें इंटरप्ट आएंगे। तो इंटरप्ट क्या होते हैं? इंटरप्ट का मतलब ये होता है कि जो अलग अलग इनपुट्स आ रहे हैं, अलग अलग इनपुट्स आ रहे हैं जब आप कुछ काम कर रहे हैं तो इनपुट आते हैं। अब इनपुट इंटरप्ट कह सकते हैं, इनपुट आ सकते हैं। इंटरप्ट कई बार क्या होता है कि प्रीएम्प्टिव होते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव होते हैं। जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग हो रही है, आप हार्डवेयर के बारे में बात करें तो कई इंटरप्ट ऐसे होते हैं जिसमें सीपीयू रुक जाएगा, कई इसमें वो इसको दरकिनार कर देगा, थोड़ी देर के लिए रोकेगा कि भाई रुक जाओ, मैं पहले अपना काम कंप्लीट कर लूं। इंटरप्ट हमारे, अभी मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा। यहां पर जो रियल टाइम सिस्टम होते हैं वो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं और हार्ड रियल टाइम सिस्टम होते हैं। यहां पर थोड़ी बहुत गलती चलती है, यहां गलतियां बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जो आपके जितने भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम है। जो फ्लाइट वगैरह में लगते हैं, जहां पर जान जिंदगी इंपॉर्टेंट है, वहां पर हार्ड रियल टाइम सिस्टम लगता है। तो जो टाइम डिपेंडेंट है, एसिंक्रोनस कभी भी कुछ भी आ सकता है। टाइम डिपेंडेंट तो है, मतलब टाइम बहुत बड़ा इसमें कंस्ट्रेंट है, कभी भी कुछ भी आ सकता है जो रियल टाइम एप्लीकेशन है उसमें। यहां पर हम जब टेस्टिंग करेंगे रियल टाइम सिस्टम की, तो एक नया आयाम आ गया है, समय, टाइम चेक करना है। तो टेस्ट केस डिजाइनर जो भी कन्वेंशनल टेस्ट केसेस है वो तो बनाएगा ही बनाएगा, है ना। साथ में जो इंटरप्ट आ रहे हैं बीच बीच में वो आते ही रहेंगे। डेटा की टाइमिंग क्या है? आप काम एक साथ दो कर रहे हैं, तीन कर रहे हैं, पैरेललिज्म ऑफ टास्क प्रोसेसेस, इसको ध्यान में देना होगा जब हम टेस्ट केस डिजाइन करेंगे। तो टेस्ट डेटा रियल टाइम सिस्टम में जब एक स्टेट में है, मान लीजिए आपका ये, आपने टेस्ट डेटा जनरेट किया, अब रियल टाइम सिस्टम एक स्टेट में है, है ना। हो सकता है यही टेस्ट डेटा जब ये स्टेट चेंज कर दिए, स्टेट वन है ये स्टेट टू है, यही टेस्ट डेटा इस पे काम ना करे। यही हमको चेक करना होगा रियल टाइम सिस्टम में। एक चीज और बता देता हूं आपको कि इसमें डिफिकल्टीज क्या है। एक तो टाइम कंस्ट्रेंट मैंने बता दिया आपको, और कन्वेंशनल मेथड सारे इसमें एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट है। कभी कभी आपके ये जो मैंने बताया अनप्रेडिक्टेबल आउटकम्स आ जाते हैं सेम डेटा के लिए। अब आप एग्जांपल के तहत समझिए, ये रियल टाइम सॉफ्टवेयर है जो एक फोटोकॉपी को कंट्रोल कर रहा है ना। अब मशीन कंट्रोलर ये जो साहब खड़े हैं, ये इसके कंट्रोल की, जैसे मान लीजिए रीसेट हो गया या फिर वो कह रहे हैं डार्क कर दो यार, अब इसको जब वो क्लिक करते हैं तो आराम से कॉपी निकल के आ रही है ना। मतलब अभी कॉपिंग स्टेट में है, आप ध्यान रखिएगा स्टेट चेंज हो रहा है, अभी कॉपिंग स्टेट में है कि फोटोकॉपीज निकल रही है। अब मान लीजिए यहां पर जो इनपुट, या इसे ही हम इंटरप्ट कह रहे हैं, ये जो इन्होंने रीसेट दबा दिया या डार्क दबा दिया, ये इंटरप्ट है। मान लीजिए ये कागज फंस जाता है अंदर, है ना, इसको हम कहेंगे जैम स्टेट। अब यहां पर जैसे ही जो कॉपिंग स्टेट में वो ये रीसेट डार्कन कर रहे हैं तब तो चलता है, लेकिन जैम स्टेट में अगर रीसेट और डार्कन करेंगे तब क्या होगा? तो ये जो डायग्नोस्टिक है, कौन, इसमें तो एक कोड आने लगेगा, एरर 003 करके कुछ, ऐसा कुछ एरर आने लगेगा। तो ये प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूं आपको, ये चीज आपको चेक करनी है कि समय क्या होना चाहिए, है ना। तो सॉफ्टवेयर टेस्ट, इसको ये भी समझना होगा कि जब भी हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करेंगे रियल टाइम सिस्टम में, क्योंकि रियल टाइम सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, तो अगर हार्डवेयर फेलियर हो जाता है तब क्या होगा।
तो चार स्टेप स्ट्रेटेजी है रियल टाइम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अगर आप करना चाहते हैं तो चार कदम आपके हैं। पहला है टास्क टेस्टिंग, हर एक काम को आपको इंडिपेंडेंटली टेस्ट करना है। अब इसमें बेहतरीन बात यह है कि जो कन्वेंशनल तरीके जो हम अभी तक सीखते आए हैं वो हम इसमें लगा देंगे, लॉजिक देख लेंगे, फंक्शनिंग देख लेंगे, लेकिन टाइमिंग और बिहेवियर नहीं देख पाएंगे इसमें, कन्वेंशनल टेस्टिंग इसमें नहीं चल पाती है। अब आते हैं हम, क्योंकि टाइमिंग और बिहेवियर नहीं कर पाए तो बिहेवियरल टेस्टिंग पे आते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर मॉडल क्रिएट करेंगे। कई सारे ऐसे मॉडल ऑटोमेटेड टूल्स है, एनएक्सी वगैरह, उससे हम ये एक्जिनी वगैरह, उससे हम ये मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने मॉडल बना के सिमुलेट करेंगे कि ऐसा बिहेवियर होगा या ऐसा होगा तो क्या होगा, और जब हम इस पे एक एक्सटर्नल इवेंट देंगे तब देखेंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग हम करते हैं, तो इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग में जो भी इवेंट्स है, चाहे इंटरप्ट आ रहे हो, कंट्रोल सिग्नल आ रहे हो, यहां पर ये इंटरप्ट भी है, भी यहां से कंट्रोल सिग्नल्स भी आ रहे होंगे, उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि सारे के सारे इंटरप्ट एक जगह पे आ जाए, सारे के सारे कंट्रोल सिग्नल एक जगह पे आ जाए। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग का उपयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल कैसे दें इसके, जो इवेंट्स है फोटोकॉपियर के, उसमें यूजर का इनपुट आ सकता है, जैसे रीसेट काउंटर, वो रीसेट काउंटर कर सकता है। मैकेनिकल इंटरप्ट आएंगे जो अंदर से आएंगे, वो तो यूजर नहीं कर रहा है, जैसे पेपर जैम हो गया, या सिस्टर इंटरप्ट, जैसे टोनर इसका लो हुआ या इसकी इंक खत्म हुई, वो आपको बताने लगेगा। फेलियर मोड्स, कि भाई लो जो अंदर रोलर है वो हीटेड हो गया, ओवर हीटेड हो गया। ये सारे के सारे जो मैं आपसे कह रहा हूं वो आप इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग कर सकते हैं, और आपको हर एक इवेंट को इंडिविजुअली टेस्ट करना पड़ेगा। इंटर टास्क टेस्टिंग, अब यहां पर होता है कि आपने क्या किया, कोई आपने, मैंने कहा ना आपको हर एक इंडिविजुअल टास्क को टेस्ट करना पड़ेगा। एक बार आपने इसके एरर निकाल लिए, ये एक आपका टास्क वन था और इसका जो बिहेवियर था या फिर इसका इसके जो एरर थे निकाल लिए। अब हम जाएंगे टाइम पे। अब टाइम रिलेटेड क्या एरर आएगी, रियल टाइम सिस्टम में असली चीज तो ये टाइम ही है ना। तो एसिंक्रोनस टास्क, एसिंक्रोनस का मतलब यह है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तभी तब आप मुझसे बात कर सकते हैं, तीसरा आदमी कभी भी मुझसे बात कर सकता है। ऐसे नहीं कि जब मैं बोलूंगा तो आप चुप रहेंगे और जब आप बोलेंगे तो मैं चुप रहूंगा। एसिंक्रोनस टास्क का मतलब ये होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जो ये टास्क एक चेक कर लिया, ये टास्क एक चेक कर लिया, अब इनके बीच में जो डेटा रेट है, प्रोसेसिंग लोड जो हम डाल रहे हैं, वो सब हम चेक करेंगे ताकि आपस में इनके टाइमिंग के हिसाब से डेटा रेट, प्रोसेसिंग लोड, ताकि आपस में कोई सिंक्रोनाइजेशन एरर ना हो। ओके, अगर मान लीजिए ये जो बात कर रहे हैं इसमें, ये मान लीजिए कोई डेटा स्टोर का यूज कर रहे हैं या कोई मैसेज क्यू बना रहे हैं कि पहले इससे मैसेज यहां जाएगा और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से ये मैसेज इस पे चला जाएगा, ऐसे पहले ये जाएगा फिर ये जाएगा, लीफो फीफो जो भी ये यूज करता है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसका साइज घटा सकते हैं, इसका साइज बढ़ा सकते हैं, इसका साइज घटा सकते हैं। तो इससे हमको क्या होगा कि साइजिंग का भी पता चल जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। सिस्टम टेस्टिंग, अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपने इंक्लूड कर दिए, रियल टाइम सिस्टम में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों है। तो यहां पर जब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को आपने इंटीग्रेट कर दिया तो अब इसके ऊपर आपको सिस्टम टेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपको इंटरफेसिंग की प्रॉब्लम देखनी है। अब रियल टाइम सिस्टम में सबसे बड़ी चीज आती है सिस्टम के इंटरप्ट। क्या चीज है, सिस्टम के इंटरप्ट। तो जब ये सिस्टम के इंटरप्ट आएंगे तो कैसे बूलियन इवेंट्स हम उसको हां ना जीरो वन इस तरीके से एक्ट करेंगे, वो चेक करना जरूरी होगा। तो यहां पर बात आती है स्टेट डायग्राम की। स्टेट डायग्राम का हम यूज करके जो टेस्टर है वो जितने भी पॉसिबल इंटरप्ट्स आ रहे हैं और उनकी प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, उसके हिसाब से स्टेट डायग्राम को देख के वो जनरेट कर सकता है टेस्ट केसेस। तो टेस्ट केसेस कैसे बनेंगे या टेस्ट को कैसे डिजाइन किया जाएगा, पहली चीज इसमें ये होगी कि क्या ये सारे इंटरप्ट हैं, इनकी जो प्रायोरिटीज हैं वो उनको असाइन की गई है, क्योंकि कई जो है प्रीएम्प्टिव होते हैं, कई नॉन प्रीएम्प्टिव होते हैं, उनको सही तरीके से हैंडल कर लिया है कि नहीं कर लिया आपने, क्या आपने हर एक इंटरप्ट की प्रोसेसिंग को ठीक से हैंडल किया है। अगर मान लीजिए एक्सेप्ट किया जाता है तो वो प्रॉपरली हैंडल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरा प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेस परफॉर्मेंस या प्रोसेसिंग टाइप है हर एक इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोसीजर की, क्या वो रिक्वायरमेंट से मैच कर रही है, रियल टाइम सिस्टम के रिक्वायरमेंट से मैच कर रही है।
और जब एक साथ बहुत सारे इंटरप्ट आ रहे हैं, खास तौर पे बहुत क्रिटिकल टाइम पे, क्या वो फंक्शन या परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि रियल टाइम सिस्टम तो सारा इंटरप्ट का खेल है।